अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। चाहे हम तिलक लगावें, उसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। तिलक लगाने का वैज्ञानिक आधार, 72,000 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, उनका जो एकत्रीकरण होता है वो इस स्थान पर होता है और यहाँ से फिर तीन भागों में विभक्त होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये जंक्शन है, जंक्शन किसे कहते हैं, जहाँ से दो तीन जगहों के लिए ट्रेन जाती है। तो सारी नाड़ियों का एकत्रीकरण यहाँ पर अब यहाँ से तीन भागों में विभक्त होती है और हम जब सुबह तिलक लगाते हैं इस प्रकार से, तो वहाँ की थोड़ी सी मसाज हो जाती है, मालिश हो जाती है। और इस स्थान पर जितना आप दबाव डालेंगे, इस प्रकार से प्रेस करेंगे, तो आज विज्ञान भी कहता है कि उससे व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, स्ट्रेस कम होता है व्यक्ति का। इस अब हमको तो एक बिंदी लगाने में संकोच होता है, यहाँ पे इतनी माताएं बैठी हैं, सभी धार्मिक हैं, इसलिए तो बैठी हैं अपना काम धंधा छोड़कर। लेकिन सनातन धर्म की रक्षा में हमारा कितना योगदान है ये बताइए। सूक्ष्म चीजों को तो छोड़ दिए दीजिए, एक माथे में तिलक हम नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने सनातन धर्म का खंडन कर रहे हैं, हम भी एक कारण है सनातन धर्म की हानि के। तो इसलिए कम से कम भागवत कथा आदि में आते हैं, आप सुबह पूजा करिए, कम से कम माथे में तिलक, हाथ में मौली तो हो, हाथ में धागा तो हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं, बहुत ज्यादा रक्षा हम नहीं कर सकते। तो प्रेम से कहीं से आदे, तो आज भागवत सुनकर जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए आज से ध्यान रखिएगा, कम से कम इतना संकल्प तो हम लें कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे बच्चों के मस्तिष्क में हमेशा तिलक होगा। आजकल युवान बच्चों का आकर्षण तो है हमारे धर्म के प्रति, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हमारा धर्म वास्तव में पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित धर्म है। इसलिए मैं देखता हूँ आज पहले से ज़्यादा अधिक रुचि युवाओं की भी हमारे धर्म के प्रति हुई है। प्रेम से कहीं से आधे।